नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत शर्मा और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस टॉटिंग। दोस्तों, जैसा कि बताया था, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में ड्राइवरों के लिए लॉकडाउन सहायता के रूप में 5,000 रुपये देने की घोषणा की थी, जो कि 4 मई 2021 को की गई थी। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार की तरफ से परिवहन मंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने आज ही जानकारी दी थी कि जल्द ही वेबसाइट ओपन कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वेबसाइट ओपन हो गया है और आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा, जिसपे आप क्लिक करते ही हमारे इस वाले पेज पे आ जाएंगे। इस पे हमने पूरी जानकारी दी है कि कैसे अप्लाई करना है, क्या स्कीम है। इस योजना में अप्लाई करने से पहले आपको बता दूं कि पीएसपी वैध धारक को पैरा ट्रांजिट लोक सेवक वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 5,000 रुपये एक मुफ्त वित्तीय सहायता दी जाएगी, यानी कि एक बार ही आपको मिलेगा। और इस वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए आपका आधार खाता बैंक अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसी में आपका अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। और इसके लिए जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो उसके लिए आपको क्या क्या जरूरत होगी वो सबसे पहले मैं बता दूं। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पीएसपी बैज नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यानी कि मेल और फीमेल जो भी हैं आप, उसके बाद आधार कार्ड नंबर। और इसके साथ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। ऐसे तो हमने जो मेन वेबसाइट है उसका लिंक यहाँ दिया है, लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ से ही आकर के अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अगर हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो सीधे हम इस साइट पे आ जाते हैं, जहाँ की सेम वही इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया वो दिया हुआ है। यहाँ आप अप्लाई फॉर पीएसपी बैच होल्डर के लिए है और ये अप्लाई फॉर परमिट होल्डर के लिए है। तो इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको ड्राइविंग लाइसेंस और पीएसपी बैच नंबर डाल करके सबमिट करना है। वैसे ही अगर आपने पिछले साल अप्लाई किया होगा तो एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लेंगे। और अगर आप नया अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, इसके अलावा पर्सनल डिटेल डाल करके आपको सबमिट करना हो, फिर उसके बाद एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जिसको आप फ्यूचर के लिए, रेफरेंस के लिए आप संभाल करके रखेंगे। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है, जो कि अप्लाई फॉर परमिट होल्डर है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना होगा। जैसे ही आधार नंबर डाल करके सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिलेगा। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी, पटपट सेवा, इको फ्रेंडली सेवा, ग्रामीण सेवा, स्कूल कैब, मैक्सी कैब, ये सारे कैटेगरी में व्हीकल नंबर डालना होगा, परमिट नंबर डाल करके सबमिट करना होगा। डिटेल डाल करके फिर सेम वही आपको फॉर्म फिल कर देना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद, जिसमें कि आधार कार्ड वगैरह नंबर आपको लिया जाएगा, मोबाइल नंबर लिया जाएगा, और एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसको आप संभाल करके रख सकते हैं। इसके बाद आपको बता दूं कि अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधे आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, जो कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा कोई भी शिकायत या सुझाव के लिए ईमेल यहां भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।